वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसा कि आपको पता है, मेरे पास ग्रैंड विटारा डेल्टा मॉडल है, और डेल्टा मॉडल के अंदर मारुति की तरफ से मेरे को ये स्क्रीन देखने को मिलती है, आर कम्युनिटीज की स्क्रीन ये आपको देखने को मिलती है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और मारुति के ऑल ओवर लाइनअप में आपको या तो हरमन गार्डन की स्क्रीन देखने को मिलेगी या फिर ये वाली देखने को मिलेगी। अगर आपको कंपनी की तरफ से मारुति के अंदर ये वाली स्क्रीन देखने को मिल रही है, चाहे फिर मैं बात करूँ 7 इंच के अंदर हो या फिर वो 9 इंच के अंदर हो, अंदर का इंटरफेस दोनों ही स्क्रीन का सेम आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पे देखने को दोनों स्क्रीन के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर, सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे अभी इसका होम जो स्क्रीन है वो यहाँ पे एक्टिवेट कर रखी है, मतलब खोल रखी है बेसिकली, वो चीज़ है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी वेराइटी ऑफ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक अलर्ट देखने को मिल जाते हैं, सेंटर में क्लॉक मिल जाती है, साइड में आपको FM या फिर ब्लूटूथ, आप जो भी पर्टिकुलर चीज़ अपने स्क्रीन में यूज़ कर रहे हैं बेसिकली एट द टाइम ऑफ वो आपको देखने को मिलता है थर्ड ऑप्शन में। नीचे आपको फेवरेट पेयर डिवाइस, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इस टाइम पे मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है इससे, तो इसलिए यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये वायरलेसली कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि आर्कमिडीज की जो स्क्रीन है उसके अंदर वायरलेस ऑप्शन आते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने XL6 ली हो जेटा मॉडल, और या फिर अगर मैं बात करूँ अरीना के अंदर कोई गाड़ियाँ आपने ली हो, वैगन आर हो गई, सेलेरियो हो गई, ऑल्टो हो गई, उसके अंदर आपको हरमन गार्डन की स्क्रीन देखने को मिलती है, और वहाँ पे आपका जो एंड्रॉयड ऑटो है और एप्पल कारप्ले है दोनों के दोनों आपको स्क्रीन में भी देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे आपको वायर्ड देखने को मिलेंगे, मतलब आपको एक वायर लगा के करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे USB सॉकेट होता है कंपनी की तरफ से आता हुआ, यही एक वायर लगती है और अपने आप वो बिना कोई मैं बात करूं आपको कमांड दिए वो कनेक्ट हो जाता है। जस्ट आपको अपना ब्लूटूथ खोल के रखना होता है क्योंकि वो जो कॉल्स हैं वो आप डाइवर्ट कर सकें स्क्रीन के ऊपर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे होती हुई दिखती है। बट अगर यहाँ पे मैं एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की बात करूँ आर्कमिडीज के वेरिएंट के अंदर, तो आपको ये वायरलेस ऑप्शन में मिलता है। अब इसके अंदर क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अगर पेयर डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे अगर हम गए तो यहाँ पे दो डिवाइस कनेक्टेड आपको दिख रहे होंगे, एक एंड्रॉयड का है, एक नीचे आईफोन का है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन का जो अपना ब्लूटूथ है बेसिकली वो यहाँ पे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मारुति सुजुकी लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपरली, तो बस यहाँ पे इस जो अपने आपका जो स्क्रीन का अपने नाम जो भी रख रखा है, जैसे मैंने अभी मारुति सुजुकी पे ही छोड़ रखा है उसे, उसको चेंज नहीं किया, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ उससे डिवाइस को पेयर करना है, और पेयर करने के बाद एक कोड लिखा हुआ आता है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से भी आपको हल्का सा करके दिखाऊं, क्योंकि एक तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वीडियो की लेंथ जो है ना वो यहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है को डिवाइस को, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे पेयर करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मारुति सुजुकी लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दबाया, और स्क्रीन पे भी इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है साथ के साथ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी अगर बात करें हम तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मैंने दबा दिया है। अब प्लस का ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस का ये बता देता है कि आसपास कौन से डिवाइसेस मेरे दिख रहे हैं, तो वो स्क्रीन खुद डिसाइड करती है, और कभी कभी कुछ कुछ देर तक ये टाइम लगा देते हैं ढूंढने में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट ज़्यादातर कभी कभी बहुत एविडेंटली जल्दी भी हो जाता है प्रोसेस। एक बार अगर आपने कनेक्ट कर दिया ना तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, और वही चीज़ें यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी टाइम ये दोनों ले रहे हैं सर्च करने में एक दूसरे की फ्रिक्वेंसीज को, और जैसे ही जो सर्च करेगा सबसे पहले, क्योंकि मेन स्क्रीन पे नाम आना चाहिए तभी आपका जो है ना, अब जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है बट ये मेरा डिवाइस का नाम नहीं है। अब जैसे मेरे ये वाले डिवाइस का नाम आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, जो स्पेयर का ऑप्शन दबाया येस कर दिया, इधर से भी पेयर का ऑप्शन आता है मैंने उसे भी यस कर दिया, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो आ गया, उन्होंने कहा यूज़ करना है सिर्फ कुछ अलाउ, सब कुछ मैसेजेस कॉन्टैक्ट्स को अलाउ करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस निकल आता है, और कुछ ऐसा आपको ऑल ओवर इंटरफेस दिखता है एंड्रॉयड ऑटो का। अगर मैं बात करूँ जो इसके अंदर अंदर के फीचर्स होते हैं, मतलब जो भी यूट्यूब म्यूज़िक हो गया, आप स्पॉटिफाई यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ऑल ओवर मैप्स यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ईजी सा यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेम अगर मैं बात करूँ तो iOS के लिए यही चीज है, आपको सिर्फ अपने डिवाइस के, मैं बात करूं ब्लूटूथ डिवाइस जो है आपका फोन, उसका ब्लूटूथ को ऑन करना है, नेट को ऑन करना है, नेट को ऑन इसलिए भी करना है क्योंकि आपका जो मैप है और मैं बात करूं यहां पे म्यूजिक है वो अगर ऑफलाइन डाउनलोड नहीं है तो वो यहाँ पे वर्क डाउन नहीं करेगा। जैसे अभी YouTube म्यूजिक में कोई भी डाउनलोडिंग यहाँ पे नहीं है तो वो चीजें वर्क यहाँ पे नहीं करेंगी। बाकी एप्स भी यहाँ पे आप इसको अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑल ओवर
फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप अपना जो बेस है, मिड है और इसका ट्रेबल है, उस स्पीकर्स का, वो आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं बात करूँ, आप उसका आउटपुट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैज़ चाहिए आपको, रॉक चाहिए, हिप हॉप चाहिए, और वो चीज़ें आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड मैं कहूँगा करती हैं। यहाँ पे आपको कुछ अलर्ट्स के जो नोटिफिकेशन साउंड है बेसिकली जो स्पीकर के अंदर से निकल के आएंगे, वो आपको कितने साउंड का चाहिए, मतलब कितनी साउंड आपको पर्टिकुलरली चाहिए, अगर कोई फ़ोन कॉल आ रही हो तो उसकी कितनी साउंड आपको सेट करनी है, वो सारी चीज़ें ये बता देता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिस्टम बीप करके, जो मतलब टच करने पे बीप बीप की आवाज़ आती है, वो पर्सनली मैंने बंद कर रखी है, वो काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग हो जाती है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अलर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, पेयर डिवाइड लिस्ट मिलती है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉइस असिस्टेंट भी देखने को आपको मिलता है, असिस्टेंट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं तो आपका ये पर्टिकुलरली नाम लेगी, नहीं तो फिर हाई सुजुकी ही बोलेगी। जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो Hi, what can I do for you? तो वो चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप नाम अपना यहाँ पे डाल देंगे तो वो आपका नाम लेके भी बोलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको अलर्ट्स वार्निंग सारी देखने को मिल जाती है, आईसी रोड जो वार्निंग है वो सब कुछ, लो फ्यूल सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डोर अनलॉक और लॉक का भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि चाबी से अगर आप अनलॉक कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइवर डोर खुलेगा या फिर सारे, मैंने ड्राइवर पे ही सेट कर रखा है। और जो लेन चेंज ब्लिंकर है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वार्निंग अलर्ट सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी अलर्ट्स आपको सेट करने हैं, जैसे की फैब की फॉब जो बैटरी है वो लो है, आइस वाली वार्निंग जैसे मेरी बंद हो रखी है, कुछ वार्निंग्स यहाँ पे बंद हो रखी थी तो वो मैंने ऑन कर दी हैं, तो ऐसे ही आप भी ऑन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कौन सी वार्निंग आपको चाहिए इससे कि ये आपको बोल के बताए और कौन सी नहीं। जैसे सीट बेल्ट की भी वार्निंग जो है वो बंद हो जाती है, बट वो बंद करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है गाड़ी के अंदर कि आपको वो बार बार अलर्ट देगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी को जो बेसिकली जो सीट बेल्ट है उसे लगाएं। और डस्ट थोड़ी अवॉइड करना है, काफ़ी लॉन्ग ट्रिप के बाद जस्ट गाड़ी आई है, मुझे गाड़ी इसके बाद साफ़ करनी ही है, तो डस्ट थोड़ी सी अवॉइड करना, इतनी गंदी मेरी गाड़ी रहती नहीं है। बाकी यही थी एक शॉर्ट सिंपल सी वीडियो। और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपकी CNG गाड़ी है तो आपको CNG की जो माइलेज है वो यहाँ पे शो नहीं होती। अगर आपको यहाँ पे दो टॉगल स्विच दिख रहे होंगे ऊपर की साइड, तो अगर आप इसे टॉगल भी करेंगे तो कहीं पे भी आपको यहाँ पे किसी भी मोड में CNG की माइलेज शो नहीं होती है CNG गाड़ियों के अंदर। और अगर आप इसे पेट्रोल पे चला रहे हैं इस गाड़ी को, तो आपको यहाँ पे जो मैं बात करूँ बेसिकली ये वाला जो पार्ट है एवरेज स्पीड वाला, और इसी के साथ आपको यहाँ पे ही जब आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक 40-50 किलोमीटर अगर आप चला लेंगे तो इसी जगह यहाँ पे नो एक्टिव अलर्ट्स पे थोड़ा सा ऊपर एवरेज स्पीड के साथ एवरेज माइलेज भी लिखा हुआ आ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे अगर आप चलाते हैं तो आपको शो करेगी। CNG के ऊपर आपको यहाँ पे माइलेज शो नहीं करती है गाड़ी CNG वाली बेसिकली, क्योंकि वो एक गैस है और गैस की जो कैपेसिटी है वो बेसिकली नापी नहीं जाती कि कितना पर्टिकुलरली वो माइलेज निकाल के देगी, ये आपको ट्रिप ए को जीरो करके ही कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर आप ओडोमीटर को देख सकते हैं। मेरी गाड़ी जैसे 8000 चल चुकी है, बहुत अच्छी रनिंग इसने अभी तक दी है, मेरे को कोई दिक्कत अभी तक इस गाड़ी के अंदर आई नहीं है। और अब इसकी थर्ड मेजर सर्विस होगी, देखते हैं वो उसमें क्या क्या होगा और कितने की होगी वो सर्विस, अभी तो उसमें टाइम है, इनफैक्ट जनवरी में इसकी वो सर्विस होगी। ये वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल थी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना। जिसके पास वायर्ड वाला है वो सिर्फ वायर लगाएगा, उसको ये झमेले नहीं करने की ज़रूरत है, वायर्ड वाला अपने आप कनेक्ट हो जाता है, आप नेट ऑन करो ना करो बट ये अपने आप सारी कमांड लेके ऑन हो जाता है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वायरलेस है तो आपको सिर्फ एक बार कनेक्ट करना है और उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठेंगे आपका नेट और ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, वो अपने आप आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, और बाकी अगर किसी पॉइंट पे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।